Good morning, class 7th. So, students, we are on chapter number 4, the Mughal Empire, and this chapter is related to our history portion. And in this class, we are going to discuss some of the question and answers of this chapter. So, let's move forward directly to page number 41. What you have to do, if you have your book with yourself, so you have to open page number 41. अगर किसी के पास भी books नहीं हैं, तो वो question and answers को अपने copies में note down कर सकते हैं. So page number 41, question number 1, we are starting from the MCQs portion. Multiple choice question. So question number first is, the first battle of Panipat was fought between. So the answer is Babur and Ibrahim Lodi. So जब हम लोग पढ़ रहे थे बाबर, तो हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे जो बाबर थे वो फाउंडर थे मुगल एम्पायर के. सबसे पहले जो हमारे रूलर हैं वो बाबर हैं. आफ्टर दैट जो नेक्स्ट हमारी डायनेस्टीज है वो शुरू होती है. सो बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट बैटल ऑफ पानीपत. दैट इज ऑल्सो मेंट दैट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर एंड इब्राहिम लोदी की वॉर होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी जो लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वो डिफीटेड हो जाते हैं बाय बाबर. In 1526, first battle of Panipat and second battle of Panipat was also fought in the Mughal dynasty, that is Hemu and between Akbar. As we have seen, here is Humayun and yes, here is Akbar, Hemchandra and between we can say Bairam Khan, jo ki hamare किसी के फादर सॉरी जो अकबर है उनके एक फादर फैक्टर थे. तो उन दोनों के बीच सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था. थर्ड की यहाँ पर हम अभी बात नहीं कर रहे. फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही मुगल डायनेस्टी में ये जो लड़ाई है वो लड़ी गई है. सो द आंसर ऑफ द दिस आंसर इज बाबर एंड इब्राहिम लोदी. बट अगर यहाँ पे आता है वैसे एग्जैक्टली अगर ऐसे हम ना बोले फर्स्ट और सेकेंड, आपको क्या करना है, जितनी भी नॉलेज है ये जो बुक होती है ना आपकी एक कैनवस होती है, आप उस कैनवस में अपनी जितनी भी कलाकृतियां उनके उन्हें उकेर सकते हो. तो आपको क्या करना है, आपको जब एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है तो नीचे स्पेस दिया हुआ है तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत सही आंसर है, उसके आगे आप उनका ईयर लिख दीजिए. उसके बाद आप नीचे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की डेट लिख दीजिए, ईयर लिख दीजिए और किस किस के बीच में वो लड़ा गया वो लिख दीजिए. तो जैसे ही आप ये चीज़ें पढ़ते हो तो फर्स्ट के साथ आपकी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाली जो पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 on the next page, that is page number 42. Okay, so in which of the following battle Sher Shah defeated Humayun. तो हमने देखा था बहुत बार हुमायूं mainly वैसे तो दो बार हुआ है. तो उन major लड़ाई की अगर हम बात करें तो let's move forward to Humayun's portion. So ये रहा हुमायूं. बहादुर शाह rivalry with Sher Shah and Humayun started from 1532. चुनार हुमायूं डिफीटेड शेख शाह. हुमायूं डिफीटेड शेख शाह एंड कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चुनार, प्रोसीडेड गुजरात. अब उसके बाद वो गुजरात चले जाते हैं. पर फिर क्या होता है, हुमायूं जब गुजरात जाते हैं तो शेख शाह क्या करते हैं, वो हुमायूं को चौसा में हरा देते हैं एंड वो हुमायूं को कन्नौज में हरा देते हैं. तो इन्होंने यहाँ पर दो बार उनको हराया है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्नौज और चौसा ये दोनों ऑप्शन है तो हम बोल देंगे. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी, बोथ बी एंड सी, जिसके अंदर बैटल ऑफ चौसा भी आ रहा है और बैटल ऑफ कन्नौज भी आ रहा है. दैट वी हैव डन. नाउ विच डेक्कन सल्तनत वॉज फुल्ली एनेक्स बाय अकबर इन 1601. सो द आंसर इज खानदेश. हियर यू कैन सी दैट, यस हियर यू कैन सी दैट इन दिस स्लाइड यू कैन सी इन 1601 खानदेश वॉज अनेक्सड. सो द आंसर इज इन 1601 कौन सा फुल्ली, कौन सी डेक्कन सल्तनत जो है वो फुल्ली अनेक्सेड हो जाती है दिल्ली मुगल एम्पायर के जरिए. सो द आंसर इज खानदेश. विच मुगल एम्पायर अनेक्सेड अहमदनगर फाइनली. सो द आंसर इज शाहजहां. एंड दिस आंसर इज ऑन, लेट मी टेल यू द पेज नंबर ऑल्सो, दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 162. This portion, on this portion you can see that जब हम लोग पहुंचेंगे तो एक बार और रिवाइज कर लेंगे. The Japti system was introduced by which person during the Akbar's reign? So the answer is Todarmal. Akbarnama was authored by, Akbarnama जैसे हमने बताया था what is the difference between biography and autobiography. So biography किसी इंसान की
लिखी जाती है किसी और इंसान के द्वारा, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कोई इंसान खुद पर अगर किताब लिख रहा है। तो अकबरनामा जो बुक है वो ऑथर्ड मतलब लिखी गई है किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। तो ये क्या है, अबुल फजल ने अकबर की पूरी लाइफ के बारे में, लाइफ को एक बुक में समेटने की कोशिश की है। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग हम लोग देखेंगे। बाबर, बाबर को हम लोग इन एक तरीके से लिंक करेंगे, बाबरनामा ऑटोबायोग्राफी थी उनकी, हम लोगों ने देखा था। एक बार और हम लोग देख लेते हैं, ये रही आपकी बाबरनामा। सो ऑटोबायोग्राफी, तुजुके बाबरी या फिर बाबरनामा, क्वेश्चन अराइज हो सकता है, बाबरनामा या तुजुके बाबरी कैसे भी आ सकता है। सो बाबर को हम लोग बाबरनामा से लिंक करेंगे। हुमायूं द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, राणा सांगा बैटल ऑफ खानवा, हम लोगों ने देखा था बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा और किन की लड़ाई हुई थी, ये देखिए। घाघरा, ये रहा बैटल ऑफ खानवा इन द हाईलाइटेड पोर्शन 1527। बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन बैटल ऑफ खानवा। क्यों लड़ाई हुई थी, क्योंकि जो राणा सांगा है और कुछ अफगान रूलर हैं, उन्होंने बुलाया था बाबर को इंडिया में इब्राहिम लोदी से लड़ाई करने के लिए। उन्होंने सोचा था ये वापस चले जाएंगे, पर ये वापस तो गए ही नहीं और यहीं पर ही रूल करने लग गए थे। इस वजह से बहुत सारे लोग इनसे नाखुश हो गए थे। और एक ये जो वॉर्स और आगे की जो वॉर्स हैं बिटवीन द अफगान रूलर्स एंड राणा सांगा, वो इन्हीं का परिणाम है, इन्हीं का रिजल्ट है। नाउ राणा सांगा इज रिलेटेड टू बैटल ऑफ खाना, सॉरी खानवा, एंड अकबर इज रिलेटेड टू दीन एलाही। हम क्लासेस और आगे जो आपके पॉइंट्स है ना, उनमें ये सारी चीज़ आ रही है। दीन एलाही बात करो, जब्त सिस्टम बात कर लिया हम लोगों ने, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। गुरु गोबिंद सिंह इज रिलेटेड टू खालसा, ये सिंपल है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग आंसर इसका दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज, शेरशाह कन्नौज की लड़ाई में हरा देते हैं हुमायूं को, ये बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने ऊपर देखा था हुमायूं की दो टाइम पीरियड है, अगर हम एक बार वापस से इन चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो जो हुमायूं है वो दो बार रूल किए हैं। नीचे देखेंगे हम लोग, हुमायूं का दो टाइम पीरियड है, 1530 से 1540, बीच में शेरशाह सूरी की जो डायनेस्टी है, सूर डायनेस्टी, वो आ जाती है 1540 टू 1545। देखिए बीच में एक भी साल छूटेगा नहीं, कंटिन्यूस 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 कोई ना कोई रूलर जो है रूल करता रहता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, सॉरी फॉर दिस, यस 1530 टू 1540 इज द फर्स्ट टाइम पीरियड, एंड आफ्टर दैट बीच में सू डायनेस्टी रूल करती है, फिर उसके बाद 1555 से 1556 हुमायूं राज करते हैं, और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है, एंड आफ्टर दैट उनके जो बेटे हैं वो उन पर राजगद्दी का भार जो है वो आ जाता है। नाउ सो द आंसर इज ट्रू, जाट वॉज द सैलरी गिवन टू द मनसबदार, ट्रू। वी विल सी ऑल दीज टॉपिक्स आफ्टर सम क्लासेस। 1526, बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन बैटल ऑफ खानवा। अब देखिए यहाँ है 1526 की बात हो रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि राणा सांगा और अगर हम बात करें बाबर की, तो इनके बीच में लड़ाई हुई थी, बट कब हुई थी इसको देखें तो 1527 में बैटल ऑफ खानवा की जो लड़ाई है वो हुई थी। दैट दिस डिटेल इज ऑन पेज नंबर 32 ऑल्सो। ओके सो ईयर्स अगर एक दो भी उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं, नंबर्स गलत हो जाते हैं, तो आपका आंसर भी गलत हो जाता है। सो द आंसर इज फॉल्स, द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड एंसेस्टर, बिल्कुल सही बात है। वो तिमुरिड एंसेस्टर मतलब तैमूर के वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे, दे वर द सक्सेसर ऑफ तिमूर एंड चंगेज खान बोथ, बट उन्हें तिमूर के वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद आता था। आपकी बुक के अंदर भी ये डिटेल दी गई है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन एंड आंसर। यस, औरंगजेब वॉज एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी रूलर, बिल्कुल। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम, अगर हम कह सकें तो एक कट्टर मुस्लिम थे। वो बहुत ही ज़्यादा अपने रिलीजन को फॉलो करते थे, उसे एक्सपैंड करना चाहते थे ऑल ओवर द इंडिया। सो ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी रूलर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकबर वॉज द सन ऑफ डैश
सॉरी डैश एंड फादर ऑफ डैश, ये क्वेश्चन ना अगर मैं बात कहूँ तो एक बार के लिए मैंने एक बच्चे से पूछा था तो वो बहुत कंफ्यूज हो गया, किसके फादर किसके सन। तो यहाँ हम पूछ रहे हैं अकबर वॉज द सन ऑफ, पहले आप यहाँ कंफ्यूजन अपनी दूर कर लो, अकबर किसके बेटे थे, हुमायूं के, एंड द फादर ऑफ, और खत्म हो गया यहाँ पर, हुमायूं को रिलेट मत करो, अकबर ही मेन है हमारा, अकबर किसके बेटे थे, सो द अकबर वॉज द सन ऑफ सॉरी हुमायूं, एंड अकबर के बेटे कौन थे, वो है जहांगीर, जिनका नाम हम लोग सलीम भी बोलते हैं। ओके सो द आंसर इज अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं एंड द फादर ऑफ जहांगीर। ऊपर आपकी सारी चीजें लिखी हुई है। द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी वॉज बाबर, इजिएस्ट क्वेश्चन। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ट्रेड सेंटर्स इन बॉम्बे मद्रास एंड कैलकटा, ये जब हम ट्रेड पॉइंट पढ़ेंगे तब आएगा। जार्जिया टैक्स वॉज लिव्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स, किस पे जार्जिया किस पे लगाया जाता था, तो नॉन मुस्लिम जैसे हिंदू कम्युनिटी हो गए उन सभी लोगों पे जो मुस्लिम्स नहीं है उन पे जार्जिया लगाया जाता था। औरंगजेब रूल्ड अबाउट 49 to 50 ईयर्स हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए अगर हम टाइम को माइनस करें, जो आपके औरंगजेब का टाइम है वो है 1658 to 1707, सो अराउंड 49 ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पर राज किया था। तो एग्जैक्ट अगर हम बोलें तो यहाँ आपकी डिटेल में दिया हुआ है 50 ईयर्स, बट अगर हम कैलकुलेट करें सो द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब इज 1658 to 1707, तो हम एग्जैक्ट माइनस करते तो 49 ईयर्स आता है, पर अगर यहाँ 50 लिखा है तो आप 50 लिख दीजिएगा। बट एग्जैक्ट मैं यहाँ पे दो चीज़ें जरूर बता रही हूँ, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है नीचे तो 50 लिखा हुआ है, बट मैंने इसे हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि आंसर ऊपर 50 लिखा हुआ है, अबाउट पूछा है ना, एग्जैक्टली नहीं पूछा है, तो अबाउट 50 ईयर्स तक राज किया है। अब जैसे वो 45 ईयर करते 46 करते तो ठीक है, पर 49 ईयर्स 50 के बहुत पास आता है, इसलिए अराउंड 50 ईयर्स उन्होंने राज किया, तो आप यहाँ पर नीचे 50 ईयर्स भी लिख सकते हैं। सो वी हैव डन सम ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स, MCQs वी हैव डन मैथ द फॉलोइंग, वी हैव डन द ट्रू एंड फॉल्स, एंड वी हैव ऑल्सो डन द फिलअप्स। सो वट यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर बुक एंड सेंड इट टू मी। जिस किसी के पास बुक अवेलेबल नहीं है वो कॉपी में भी कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।